इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 36,653 मतों से आरजेडी अमर पासवान जीत चुके हैं। आरजेडी के अमर पासवान को मिला है 82,565 वोट। बीजेपी की बेबी कुमारी को मिले हैं 45,909 वोट। फाइनल रिपोर्ट, बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले हैं, आरजेडी के अमर पासवान को 82,565 वोट मिले हैं। 36,653 मतों से आरजेडी के अमर पासवान जीत चुके हैं। भाजपा को मिली करारी हार। भाजपा के विधायक मंत्रियों में मची है अफरा तफरी। क्षेत्र की जनता ने आरजेडी पर भरोसा किया है और सहानुभूति भी मुसाफिर पासवान के दिवंगत होने के बाद अमर पासवान को मिली है। बीजेपी और वीआईपी के अलग अलग होने से बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बोचा में एनडीए और वीआईपी के गठबंधन से भारी नुकसान भाजपा को हुआ है। आरजेडी को आधार वोट के साथ सहानुभूति का दावा, फायदा हुआ है आरजेडी अमर पासवान को। आरजेडी के कथित बीवाईएम फॉर्मूले को मिला बल। एनडीए की डबल इंजन सरकार की नीतियां बोचा उपचुनाव में धराशायी हो चुकी हैं। तेजस्वी के समर्थन में जन बन सकता है माहौल। नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिले हैं। कांग्रेस से ज़्यादा लोगों ने नोटा बटन को दबाया है। बिहार में अब सरकार बनाम आरजेडी की लड़ाई। क्षेत्र की जनता ने आरजेडी पर एक बार फिर भरोसा किया है। बीजेपी वीआईपी के अलग अलग लड़ने से नुकसान भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। बोचा में एनडीए के वोट बटे, आरजेडी को फायदा हुआ। बीजेपी को भीतर घास से नुकसान की रही बात। भाजपा की गलत नीतियों से भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। ये भाजपा के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी है। आप देख सकते हैं आरजेडी जीत के बाद किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जनता कितनी खुश नज़र आ रही है और नाच गाना बहुत ज़ोरों पर चल रहा है। तेजस्वी के समर्थन में बन सकता है माहौल। कांग्रेस को इतना कम वोट मिला है, उससे ज़्यादा तो लोगों ने नोटा बटन को दबा दिया है। आरजेडी को बड़ी जीत मिली है। इतिहास में ये दर्ज हो गया है कि अब तक बोचा उपचुनाव या बोचा विधानसभा की सीट पर 30,000 से ज़्यादा किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को इतना वोट नहीं मिल पाया। आरजेडी के खेमे में जश्न का माहौल है। बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको मिल रही है वीआईपी न्यूज़ टुडे ऑफिशियल। आप आगे, देश आगे। आरजेडी को बड़ी जीत, ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। बहुत बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। आरजेडी के खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस बिल्कुल धराशायी होती हुई नज़र आ रही है पूरे देश में। नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आगे 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में जो होंगे उसमें भाजपा अगर यही रणनीति अपनी रखेगी, लोगों को साथ लेकर धोखा दिया जाता है, साहनी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ रहा है, भाजपा की कितनी पूरी तरह से हार हुई है इस चुनाव में। 35 विधायक और मंत्रियों का यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया। लोगों ने अपने गाँव घरों में घुसने भी नहीं दिया उन लोगों को। इस वक्त की खबरें आप लोग हमारे साथ में देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, हम देते रहेंगे आपको पल पल की रिपोर्ट। इस वक्त सिर्फ यही न्यूज़ और आप लोग वीआईपी न्यूज़ टुडे के साथ बने रहिए। आप आगे, देश आगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्राउंड की सारी खबरें आप लोगों को वीआईपी न्यूज़ टुडे के माध्यम से मिलती रहती हैं। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये बहुत दुख की बात है कि जिसको देश की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है उसको उपचुनाव में धूल चाटनी पड़ रही है और इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी उभर के सामने आ रही है। 30,000 वोटों से भाजपा को धूल चटाई है यहाँ पर अमर पासवान आरजेडी ने। विधायक और मंत्रियों का भी बुरा हाल है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। इस वक्त हम आपको लेकर के चल रहे हैं अगली न्यूज़ के पास। देखिए अमर पासवान जी क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम। ग्राउंड रिपोर्ट वीआईपी न्यूज़।